लोग भी 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट सेल करना चाहते हो या फिर माता वैष्णो देवी वाला कॉइन सेल करना चाहते हो। अब आपके माता वैष्णो देवी वाले कॉइन्स कैसे बिकेंगे या फिर ट्रैक्टर वाले नोट कैसे बिकेंगे, तो बिल्कुल आज का वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। और ये मैं पक्का कह रहा हूं दोस्तों कि ये जो जानकारी मैं दूंगा ना वो आपके लिए एक बहुमूल्य जानकारी है, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी आपको कई मरतबा बता चुका हूं कि जो मैं जानकारी आपके लिए लेके आता हूँ ना वो पूरी रीड करने के बाद जानकारी लेके आता हूँ। तो ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, हम आज बात करेंगे दोस्तों इस माता वैष्णो देवी वाले कॉइन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो माता वैष्णो देवी वाला कॉइन्स है ना, क्या सच में अच्छी कीमत में बिकेगा, क्या सच में कोई 5 लाख रुपए देगा या कोई सच में हमें 11 लाख रुपए देगा, देगा तो कैसे देगा, पूरी ए टू जेड आपको जानकारी में दे दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अंत तक देख लिया तो आपका ये माता वैष्णो देवी का कॉइन्स श्राइन बोर्ड वाला सिल्वर जुबली वाला ये सिक्का 100% बिकेगा, और आपको किसी के वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मेरे वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। माता वैष्णो देवी वाले सिक्कों की ए टू जेड जानकारी आज आपको मैं दूंगा, तो बिल्कुल अंत तक देखना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताना अगर जो मैं आपको बताता हूँ वो आपके पास मिलते हैं तो ये आपका भाई फिर से दावे कर रहा है आपका भाई आपका बिकवा देगा। दोस्तों एक भाई मान के आप लोग मेरे पे विश्वास कर सकते हो, बिना किसी शुल्क, बिना किसी रजिस्ट्रेशन चार्ज, बिना किसी ओटीपी के आपके सिक्के या नोट अगर सेल होंगे तो वो वेब पे सेल हो सकते हैं, इनके अलावा मेरे हिसाब से नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों जहां अधूरी जानकारी मिलती है वहां नहीं होंगे। तो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, श्री माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड वाले सिक्कों को लेकर जो आज का हमारा टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक, अब आपको यहाँ पे हमारा बोर्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मैंने माता वैष्णो देवी लिख दिया है। ये जो माता वैष्णो देवी, दोस्तों आप लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे हो ना, 5 रुपए का माता वैष्णो देवी क्या 5 लाख में बिकेगा। दोस्तों सच कह रहा हूं, क्या 5 रुपए का एक सिक्का हमारा 5 लाख में बिक जाएगा या कितनी प्राइस हमें मिलेगी बिना रजिस्ट्रेशन। क्या 10 रुपए का जो सिक्का होता है ना माता वैष्णो देवी वाला, उसका हमें 11 लाख मिलेंगे, 11 लाख। अब दोस्तों ये जो टॉपिक आप लोगों ने YT, YouTube स्टूडियो, इंस्टा, फेसबुक काफी सारे पे एड देखे होंगे, लेकिन आज तक मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई लेने वाला नहीं मिला। तो बिल्कुल अब हम जो आपको बताएंगे कि माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड वाले सिल्वर जुबली वाले, आपको प्रूफ के सहित बताऊंगा कि वास्तव में माता वैष्णो देवी वाले सिक्के की जो रियल कीमत है वो क्या है। बता देता हूं 5000 से प्लस में बिकेगा और मिल सकते हैं आपको 10000 भी। तो सच आप चौंक गए होंगे दोस्तों कि यार जो 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए के सिक्के को कोई 15 रुपए में नहीं ले रहा था, एग्जीबिशन में गए 15 रुपए में कोई नहीं ले रहा है, तो ये रोहित भाई 10000 रुपए कहां से दिलवा देगा। सोचो, सोच लिया होगा ना आपने, समझ लिया होगा। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों या नहीं भी पता होगा कि जो माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के जो सिक्के है ना, ऐसे ही नहीं बने, ये सिल्वर जुबली के उपलक्ष में बने थे। और सिल्वर जुबली के उपलक्ष में बनने का एक तरीका बताता हूं, आप समझते जाना, काफी सारे लोगों को इस चीज का पता नहीं है इसलिए वो ठगी के शिकार हो जाते हैं। 5, 10 और 25 यानी 25, ये जो है ना, ये आपने दोस्तों आज तक सिर्फ ये 5 और 10 ही देखे हैं, बल्कि ये 25 नहीं देखा, 25 नहीं देखा दोस्तों। बिल्कुल 25 रुपए का भी माता वैष्णो देवी का सिक्का आया था। और अब ये बिकते कैसे है, 5 रुपए का सिक्का आपका बिकेगा सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में। सुन लेना, आप चौंको मत, मैं 5000 भी बताऊंगा, वेट कर लो। 10 रुपए का सिक्का बिकेगा आपका 20 रुपए में। अब सोच लिए यार कि ये तो भाई 30 ही रुपए हुए। तो अब आइए हम चलते मेन टॉपिक पे, मेन जो हमारी बात है ना
25। अब ये कैसे बिकते समझना दोस्तों, आपको मैं जो साईनाथ रिदरपाल जी की बुक है ना उसके आधार पर समझा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ना साईनाथ रिदरपाल जी की बुक में यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, समझ लीजिए। ये जो है सिल्वर जुबली ऑफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बॉम्बे मिंट के, बॉम्बे मिंट का जो डायमंड का चित्र होता है इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, बॉम्बे मिंट का चित्र आपको दिखाई देगा, डायमंड डायमंड, ये समझ लो यार, ये समझ लो इस तरीके का। ये जो चित्र है ना आपको सिक्कों के ऊपर दिखाई देगा, 5, 10 और 25 यानी तीनों सिक्कों पे सेम ये चित्र होना चाहिए, ये जो मिंट होना चाहिए। अब इसका यहाँ पे देखोगे 25, 10 और 5 ये तो इसके जो इश्यू आई रेट है, लेकिन जो इसका मार्केट वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 5,200 रुपये, जो साईनाथ रिद्दपा जी की बुक ये दावा करती है दोस्तों कि 5,200 रुपये में आपका सिक्का कहीं पे भी बिक सकता है, एग्जीबिशन वाले ले सकते हैं, लेकिन लेंगे कैसे इस चीज को आपको समझना है। जो आगे की जानकारी ना वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान लगा के सुन लेना। ये लाखों वाले चक्कर तो छोड़ दो, जो रियल कीमत है उस पर अपना जो भी कॉइन सेल कर लेना। अब दोस्तों 5, 10 और 25 ये जो सिक्के है ना माता वैष्णो देवी, इनमें ये प्रूफ सेट होने चाहिए, यानी तीनों सिक्कों का, एक ये सिक्का जिसे 5 का हो गया, एक ये सिक्का 10 का हो गया और एक ये सिक्का 25 का हो गया, ये तीनों सिक्के होने चाहिए सेम, जो उनकी जो जब ये प्रूफ सेट आया था, यानी अगर ये तीनों सिक्के आपके पास है बॉम्बे मिंट के, बॉम्बे मिंट के ये सिक्के आपके पास है तो आप लोग सोलिड बेच सकते हो, आप लोग सच में 5,200 नहीं बल्कि पूरे 10,000 भी आप लोग इनके बदले में ले सकते हो। इसमें दोस्तों आप लोग ये ले सकते हो, मतलब 5,000 नहीं पूरे 10,000 रुपए आपको माता वैष्णो देवी वाले सिक्के के मिल जाएंगे। ये साईनाथ रिद्दपा जी की जो बुक है ना वो ये दावे करती है। इससे आगे भी आपको मैं और बताऊंगा कि और कौन से सिक्के महंगे हो सकते हैं। अगर आप लोगों के पास में ये प्रूफ सेट नहीं मिलता फिर भी आपके माता वैष्णो देवी वाले अगर सिक्के आपके पास है तो वो कैसे बिकेंगे वो भी सुन लो दोस्तों। अगर आपके पास में सिर्फ 5 रुपए का माता वैष्णो देवी वाला सिक्का है जिसके अंदर होना क्या चाहिए, कटिंग एरर, कटिंग मिस, दोस्तों अगर जैसा मान लो आपका यह सिक्का सेम सिक्का है सर्कुलेशन का, इसमें अगर यहां पे जो माता वैष्णो देवी का पोर्ट्रेट लगा है इसकी जगह अगर आपका ये पोर्ट्रेट जो सही ढंग से होता है ना, जो अभी इस सिक्के के अंदर सेम टू सेम है, वैसा नहीं है, यानी अपनी जो निर्धारित जगह है उस पे नहीं है, तो भी आपका सिक्का 5,000 तक बिक जाएगा, 10,000 भी दे देगा और 15,000 भी आपको कोई दे देगा। अगर इस सिक्के का यहां से भाग कट चुका है या एक ही सिक्के पे डबल बार प्रिंट हो चुका है, यानी जिसे मिस प्रिंट बोला जाता है, तो वो भी सिक्के आपके बहुत अच्छी कीमत में बिक सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग सच अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि ये जो जानकारी है वो अच्छी लगी कि नहीं लगी, और इम्पोर्टेंट जानकारी ठीक नहीं थी। तो दोस्तों हम ऐसे ही आपके लिए अजीब गरीब जानकारी लेके आते हैं जो मुझे मेरे हिसाब से कोई आप लोगों को इतनी सरल भाषा में कोई नहीं समझाता, और ना ही आपको इतना जो सब कुछ बता के आप लोगों को कोई बताता होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको क्लियरिटी कहा है, जो प्राइस मार्केट वैल्यू की है वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें हमारा कोई कमीशन हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बीच में हम दलाली का काम करें। तो बिल्कुल आप लोगों को ये माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड वाले सिक्कों के बारे में A to Z जानकारी मिल गई होगी। कटिंग एरर मिस प्रिंट अगर ये सिक्के है तो आपके अच्छी कीमत में बिकेंगे, अगर आपका सिक्का कटिंग एरर के साथ में मिस प्रिंट भी है तो दोस्तों उसकी कीमत काफी ज्यादा चली जाती है। लेकिन इनमें होता क्या दोस्तों, फेक सिक्कों का आप लोगों को पता करना है। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने का आपका धर्म बनता है, आपका फर्ज बनता है, शेयर करना नहीं भूले दोस्तों, और चैनल पे अगर पहली बार हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हम लोगों को भी आपका प्यार प्रेम मिलता रहे, मोटिवेशनल मिलता रहे और भी इंटरेस्टिंग जानकारी हम लेके आते रहेंगे। तब तक दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।